कृषि कानून के खिलाफ और लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में आज किसान संगठनों ने पूरे देश में रेल रोको अभियान की शुरुआत की थी। ये अभियान निकाला गया, इस कड़ी में ग्वालियर में भी किसान संगठनों ने अभियान निकाला। अभियान के तहत किसान रेलवे स्टेशन की ओर आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस में और ग्वालियर में किसान संगठनों के बीच में यहाँ पर झड़प हुई। पुलिस ने 40 से 45 किसानों को गिरफ्तार किया है। तो रेलवे स्टेशन की ओर लगातार ये बढ़ रहे थे, अब इन किसानों को अस्थायी जेल में भेज दिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोकने का आंदोलन था और यहाँ पर पुलिस ने बीच रास्ते में ही जो है हम लोगों को गिरफ्तार किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये कह रहे हैं ये तीनों कानून जब तक होगा, और हम आपको वचन दे रहे हैं कि पुलिस की दम पर ये नहीं रुकेगा मामला। ये किसानों का मामला है, पुलिस नहीं रोक सकती। सहमति बनी थी और पुलिस ने उसको तोड़ा है, पुलिस ने बीच रास्ते से गिरफ्तार किया है। ये लोग जा रहे थे स्टेशन, ट्रेन को रोकने और स्टेशन पर न्यूसेंस करने। कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। कहाँ से गिरफ्तारी की गई इन लोगों? लक्ष्मीबाई समाधि के पास इनको रोका गया। फुलबाग से ये स्टेशन जा रहे थे। अभी भी ऐसे इनपुट मिल रहा है कि रेल रोकी जा सकती है, बहुत सारे लोग। हम लोग तैनात है, रेल रोकने की किसी को अनुमति नहीं है, न रोकने देंगे। ऐसा हुआ तो उन्हें गिरफ्तार करेंगे। यही केस के लोग थे, 60-70 की संख्या में थे, जिनको यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे जाने से रोका गया, उनको भी डिटेन किया गया। फिर आगे की कार्रवाई भी जारी है। इनपुट ऐसा मिला कि अभी भी कुछ लोग वो अलग-अलग जगह व्यवस्था लगी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी कर्ण मिश्रा, जो हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। कर्ण, फिलहाल इस वक्त किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं? क्योंकि प्रशासन का साफ तौर पर दावा है कि अगर रेल रोकने की कोई भी कोशिश करेगा उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको रोका जाएगा। के बैनर तले इस बात को लेकर स्पष्ट किया गया था कि आज उनके द्वारा रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और इसके लिए वे 12 बजे पदयात्रा शुरू करेंगे और ग्वालियर स्टेशन पहुंचकर और उसके आसपास के एरिया में जाकर रेल को रोकने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल जिस तरह से पदयात्रा निकाली गई, इस चीज के आज से पहले एक दिन पहले ही प्रशासन और पुलिस के साथ किसान संगठनों की बैठक हुई थी और इस बात में स्पष्ट तौर पर प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि इस प्रकार की अनुमति आंदोलन की नहीं दी जा सकती है, उनको महज पदयात्रा की अनुमति दी जा सकती है, वो भी स्टेशन के पहले ही पहुंचने से पहले ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और उसी कड़ी के तहत जिस तरह से जब ग्वालियर फुलबाग से जब उनकी पदयात्रा शुरू हुई, वहीं रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के सामने पहुंचते ही लगभग 40 से 50 किसानों को गिरफ्तार किया गया और इस दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी भी नजर आई जहां पर बर्बरतापूर्ण घसीटते हुए उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस बात को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चूंकि शाम को 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन की बात कही गई है, ऐसी स्थिति में तमाम आसपास का वह एरिया जो विशेषकर वो शहरी क्षेत्र जहां से आसपास से रेल की पटरी होकर गुजरती है वहां पर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। वह साथ ही जो ग्वालियर का रेलवे स्टेशन है उसके सर्कुलेटिंग एरिया में अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की गई है और आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार से रेल रोकने की स्थिति नजर नहीं आए। क्योंकि जिस तरह से पहले से लगातार किसान आंदोलन किसी कानून को लेकर लगातार विरोध देखने में आ रहा है और उसके बाद लखीमपुर की घटना में कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ा एक आंदोलन का रूप देने की कोशिश हुई है और यही कारण है कि अब जो है वो लगातार किसान जो है उनके तमाम संगठन जो है वो लगातार अपने अपने स्तर पर अपने क्षेत्रों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा एक ही मांग की जा रही है कि काला कानून उनके द्वारा कहा जा रहा है उसको वापस लेने के साथ में लखीमपुर घटना की खुशी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है और यही कारण है कि आज उनके द्वारा इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे में जब आज उनकी गिरफ्तारी की गई है, उस गिरफ्तारी के दौरान भी जो किसान नेता है उन्होंने बिल्कुल कारण एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर कि बात ये तो प्रशासन की होगी, प्रशासन की तैयारियों की होगी और जो सुबह से हुआ वो सब कुछ आपने बताया, किसानों का क्या कुछ कहना है यहाँ पर, उनका क्या रुख है? क्योंकि कुछ घंटे का रेल रोको या आंदोलन था किसानों का, तो किसान क्या अपने आंदोलन को सफल बता रहे हैं या फिर आंदोलन में वो सफल नहीं हो सके? देखिए अभी तक किसान नेता से जो हमारी चर्चा हुई है और कुछ लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के दौरान भी हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि शाम को 4 बजे तक उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो रेल रोकने का प्रयास लगातार करते रहेंगे और अपने जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पूरा भी करेंगे। अब ऐसे में यही एक मुख्य वजह है कि लगभग 40 से 50 किसान नेताओं की और कार्यकर्ताओं की तो गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन जो है वो पैनी निगाह बनाए हुआ है क्योंकि किसानों के द्वारा जिस तरह से चेतावनी दी गई है कि शाम 4 बजे से पहले उनके द्वारा ग्वालियर में रेल रोकी जाएगी और इस बात को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। ऐसे में बिल्कुल कर्ण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाकर